सो है एवरीवन, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। आज 6 अगस्त और आज मैं जाने वाला हूँ गाजियाबाद, ग्रेटर नोएडा से गाजियाबाद, वो भी साइकिलिंग करते हुए। तो बेसिकली आज का पर्पज़ यही है कि मैं जाऊँगा गाजियाबाद रेलवे स्टेशन, और ये मेरी जो साइकिल है इसे मैं बुक करवाऊँगा अपने घर के लिए, क्योंकि यहाँ पे फ़िलहाल मेरी फाइनल ईयर होने वाली है, तो साइकिल की ज़रूरत मुझे नहीं लगती है। और घर पे क्या है कि एक छोटा भाई रहता है तो वो चला लिया करेगा। सो मुझे लगता है कि इसे भेजना सबसे बेस्ट है, क्योंकि यहाँ पे बेचना मुझे अच्छा नहीं लगता, क्योंकि ये मेरी पहली साइकिल है। तो इसलिए मैं इस साइकिल को गाजियाबाद रेलवे स्टेशन पे ले जाऊँगा और वहाँ पे इसे बुक करवाऊँगा। तो सारी प्रोसेस बताएंगे कैसे कैसे बुक करवाने का प्रोसेस रहा, और ये मैं अपनी साइकिल दिखा देता हूँ। सो गाइस, ये थी मेरी केरोस की बाइसाइकिल, जो कि काफ़ी देखिए काफ़ी ज़्यादा प्यारी थी। करीब मुझे 8 या 9 महीने हो गए इसे चलाते हुए। जुदा होने वाली है तो कोई नहीं, चलेंगे जब घर पे तभी से चलाया करेंगे। तो फिलहाल आज की इस वीडियो को करते हैं यहीं पे स्टार्ट, और चलते हैं। रास्ते में आपको दिखाएंगे सारी एक्टिविटी जो जो हम करते हुए जाएंगे, और कहाँ पर रुकते हैं, क्या करते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, समय हो रहा है 10:30 सुबह के, और ये राइड मैं अभी स्टार्ट कर रहा हूँ, क्योंकि सुबह सुबह जो है बहुत ज़्यादा बारिश हो रहा था। तो अब मैं निकल रहा था तो मैं जो टाइम नोट कर लेते हैं, कितना टाइम भी लगता है ये भी देख लेंगे कि गाजियाबाद मतलब करीब 30 किलोमीटर होगा, तो इस साइकिल से जाने में कितना टाइम लगता है। तो चलिए अभी हम जस्ट अपने हॉस्टल से 2 किलोमीटर आगे आए हैं। तो वहाँ पे ये जो है, ये जो रास्ता आप देख रहे हैं, ये कासना से हो करके परी चौक के लिए मिलती है, तो हम P3 गोल चक्कर से मुड़ जाएंगे। मैं आपको एक मैप दिखाना चाहता हूँ, जैसे कि आप ये मैप देख पा रहे होंगे, ये हमारा रूट है और हम इस रूट से गाजियाबाद जंक्शन तक जाएँगे। तो आप देख पा रहे होंगे ये यहाँ का होंडा कंपनी है, यहाँ पर होंडा की गाड़ियाँ मैन्युफैक्चरिंग होती हैं। फ़िलहाल अभी तो ये बंद चल रहा है, शायद ऑटोमोबाइल में मद्दी चल रहा है, तो इस वजह से ये कंपनियों में ज़्यादा एम्प्लॉय आ नहीं रहे हैं फिलहाल। अभी जो है गाइस, मैं आ करके इस वाले गोल चक्कर पर रुक गया, क्योंकि जो हमारा मैप दिखा रहा था रास्ता, वो यहाँ से ऐसे दिखा रहा है। तो आप जैसे सामने देख पा रहे होंगे ये वाला, ये ग्रैंड वेनिस मॉल है, जो कि काफ़ी ज़्यादा मशहूर है ग्रेटर नोएडा में। तो फिलहाल हम यहीं से अपना रास्ता कट कर लेते हैं और देखते हैं मैप कैसे कैसे हमें लेके जा रहा है। कहाँ से आ रहे हो आप लोग? ग्रेटर नोएडा से। रास्ता तो पता ही होगा, फिर भी तो पता है, बाजार में वो रात को। चलो ठीक है, मैं मैप डाउनलोड कर दिया हूँ, आप लोग चले जाओगे। अभी हो जा रहा है। चलो ठीक है भैया, चलो ऐसे ही कहीं दिक्कत हो तो पूछ लीजिए अगर किसी से भी। चलो ठीक है भैया, बाय बाय। तो ये हमें यहाँ पे मिल गए थे जहाँ पर हमें मुड़ना था, तो इन्हें आगरा जाना था, तो इन्हें रास्ता नहीं पता था, तो हमने बताया रास्ता, और इनके मोबाइल में रिचार्ज भी नहीं था, तो हमने इनका जो है मैप भी डाउनलोड करवाया, तो काफ़ी अच्छा लगा। आप लोग भी जो लोग भी मिलते रहें उनका हेल्प करते रहिए और चलते रहिए। और अभी यहाँ से जो मेरी डिस्टेंस दिखा रहा है, करीब 28 किलोमीटर दिखा रहा है, तो अभी 28 किलोमीटर बचा हुआ है। और देख रहे हैं कैसा ग्रेटर नोएडा की एक अच्छी बात यह है कि यहाँ की जो रास्ते हैं काफ़ी अच्छी हैं, काफ़ी साफ़ सुथरा रहती हैं, ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा पर्सनली। तो इसके लिए तो भाई ग्रेटर नोएडा को एक लाइक तो बनता है, आप लोग लाइक भी कर दीजिए वीडियो को अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो। जय गौ माता। ये काफ़ी अच्छा सुविधा है इनके लिए। ग्रेटर नोएडा में आज का मौसम जो है काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, और मेरे लिए काफ़ी अच्छा है, क्योंकि
आज मैं साइकिलिंग कर रहा हूँ, वो भी काफ़ी दूर डिस्टेंस का। तो ऐसा मौसम होना काफ़ी अच्छा था आज के दिन, और आज ऐसा मौसम है तो काफ़ी मुझे अच्छा लग रहा है, क्योंकि मुझे थकान भी नहीं होगा क्योंकि मौसम ठंडा है, और पसीना भी नहीं होगा जो कि बहुत बुरा चीज़ है पसीना होना। तो ये एक मेरे लिए प्लस पॉइंट है सफ़र का आज का। तो देख रहे हैं मौसम आज का काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, और धूप भी नहीं हो रहा है, और हल्की हल्की बारिश का भी मौसम है। कहीं ना बारिश भी ना हो जाए ये भी एक माइनस पॉइंट बनता है। बारिश हो गया तो मैं पूरा भीग जाऊंगा। मैं छाता भी जो है अपने घर पे ही भूल गया हॉस्टल में, तो छाता भी नहीं लेके आ पाया हूँ। तो कोई बात नहीं, सह लेंगे। अभी आगे से ये जो टर्न पॉइंट दिखा रहा है यहाँ से हमें मुड़ना है, और मुड़ते ही सीधे निकल जाएंगे रास्ता पकड़ते हुए, और देखेंगे कहीं पे अगर चाय वगैरह का शॉप मिलता है तो पहले चाय पियेंगे थोड़ा सा, इसके बाद अपनी जर्नी को कंटिन्यू रखेंगे। गाइस एक चीज़ और कहना चाहता हूँ, अगर आप रोड पे चल रहे हैं, चाहे आप साइकिलिंग कर रहे हो या फिर आप बाइक चला रहे हो, तो गाइस हमारा ये फर्ज बनता है कि हमें ट्रैफिक रूल का पालन बिल्कुल ही उसी तरह करना है जैसे सब लोग करते हैं। तो ट्रैफिक रूल भी हमें नहीं तोड़ना है, और सावधानी से अपनी गाड़ी या फिर कोई सा भी गाड़ी हो या साइकिल हो, कुछ भी, बच्चों के लिए भी मैं बोलना चाहता हूँ जो साइकिल चलाते हैं उन्हें भी, वो भी काफ़ी ज़्यादा सावधानी से चलाएं जिससे कि दुर्घटना होने से बचा जा सके। तो ये थोड़ा सा उद्देश्य है मेरा जो कि सभी लोगों को फॉलो करना चाहिए, और मैं भी फॉलो करता हूँ काफ़ी ज़्यादा सावधानी से। गाड़ी या फिर साइकिल में दोनों ही अच्छी तरह से चलाता हूँ। बढ़िया भाई बढ़िया। तो द इंद्रेश, चलो भाई, थैंक यू भाई। तो कुछ लोग मिले जो कि सपोर्ट भी करते हैं, काफ़ी अच्छा लगता है ऐसे लोग मिलते रहते हैं। तो ये भाई थे अभी जो कि यहीं से मुड़ गए हैं, कह रहे हैं काफ़ी अच्छा। सो गाइस अभी करीब 30 किलोमीटर बचा हुआ है, और यहाँ पे जो है बारिश हल्की हल्की होने लगी है। मुझे लगता तो नहीं है रुकना पड़ेगा, लेकिन अगर कहीं पे ज़्यादा तेज़ बारिश होने लगी तो फिर तो रुकना ही पड़ेगा। तो अभी तो ऐसे ही बूंदाबांदी हो रहा है, अभी तो भाई रुक जाना। मैं तो बस यही कहूँगा थोड़ा देर और बारिश ना हो तो अच्छी बात है, क्योंकि मैं पहुँच जाऊँ अपने डेस्टिनेशन पर, इसके बाद जो है बारिश होती रहे वो एक अलग बात है, क्योंकि अभी मुझे पहुँचना बहुत ज़रूरी है। और इतनी तेज़ नहीं हो रही बारिश, पर हो सकता है तेज, कोई नहीं, चलते हैं। यहाँ से गाजियाबाद के लिए टर्न लेना है। लग रहा है रुकना ही पड़ेगा क्योंकि बारिश तेज हो रही है अब, और मैं भीग ना जाऊं, भीगने के बाद तबीयत भी खराब हो सकता है, इसलिए रुकना ही पड़ेगा मुझे जहां तक लग रहा है। काफी तेज बारिश हो रही है। ठीक है अंकल जी, धन्यवाद। तो ये अंकल जी मिल गए थे यहाँ पे, जिनके ऑटो में मैं रुक गया। काफ़ी ज़्यादा सही रहा यहाँ पे रुकना, क्योंकि भीगने से मैं बच गया। तो अब जो है दोबारा चलते हैं साइकिल। क्या हाल हो गया भाई, अभी तो गंदा हो गया ये, पहले सीट साफ करते हैं उसके बाद निकलते हैं। बारिश तो फिलहाल बहुत ज़्यादा ही कम हो गया है, तो भीगने का तो चांस है नहीं। ये ऑटो वाले भी अंकल जी हैं जिन्होंने अपने ऑटो में जगह दे करके बहुत अच्छा काम किया, मैं भीगने से बच गया।
बाप कितना बारिश हुआ, देख रहे हैं ये पानी बहने लगा। कम नहीं, बहुत ज़्यादा बारिश हुआ है, सारी सड़कें पूरी मतलब भीग गई हैं। कोई नहीं, अभी तो हम भी भीग ही चुके हैं हल्का हल्का, तो अब फ़र्क नहीं पड़ता, अब तो जाना ही है। अभी मौसम भी साफ़ हो रहा है धीरे धीरे और गाड़ियाँ भी चलने लगी, पहले तो बंद हो गई थी इतनी तेज़ बारिश हो रही थी। उन अंकल जी का फिर से धन्यवाद बोलना चाहता हूँ जिन्होंने मुझे मतलब रहने रुकने के लिए जगह दे दिया, वरना मैं तो कहीं पे आसपास जगह भी नहीं था रुकने के लिए। और उनका एक बार और धन्यवाद, ऐसे लोग मिलते रहें तो कितनी अच्छी बात है, सफ़र कट जाता है, कोई दिक्कत की बात ही नहीं होती है। अभी यहाँ से 18 किलोमीटर दिखा रहा है गाजियाबाद जंक्शन, ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटे लगेंगे मुझे पहुँचने में। अब कहीं रुकने का प्लान है नहीं क्योंकि मौसम भी ख़राब है, तो रुकना सही नहीं है, अपनी सफ़र ऐसे कंटिन्यू रखते हैं और जहाँ तक जा पाएंगे जाएंगे, रुकेंगे, पानी पियेंगे और निकलते रहेंगे। तो चलिए मिलते हैं आपसे हम डायरेक्ट जंक्शन पे, क्योंकि अब बीच में ब्लॉक करना सही नहीं है क्योंकि बारिश हो गया है और गिरने का भी चांस है। सो है एवरीवन, आज 7 अगस्त और ये वीडियो मैं अगले दिन शूट कर रहा हूँ क्योंकि आपने अभी तक देखा कि गाजियाबाद जंक्शन में पहुँचा, उसके बाद मैं वीडियो शूट नहीं किया, तो मैं सोचा कि कुछ चीज़ें छूट गया तो मैं उसे आपको इस वीडियो में बता दूँ। तो जैसे ही गाजियाबाद जंक्शन हम पहुँचे, तो वहाँ पर पहुँचने के बाद हमें ये पता चलता है कि वहाँ पर जो भी बुकिंग वाला सिस्टम है वो उन्होंने बंद कर दिया परमानेंटली। तो वहाँ पर इंक्वायरी करने के बाद ये पता चलता है कि हमें जाना पड़ेगा आनंद विहार, तो हम आनंद विहार पहुँचे। आनंद विहार पहुंचने के बाद वहाँ पे जो बुकिंग करा था मेरा साइकिल, तो मैं उनसे बात किया जो वहाँ पे अधिकारी थे रेलवे के, तो उन्होंने ये बताया कि देखिए आपके पास एक कंफर्म टिकट होना चाहिए तभी आप अपनी जो चीज़ें हैं वो भेज सकते हैं। इस वजह से मेरी साइकिल जा नहीं पाई और मुझे साइकिल अपना वापस लेके आना पड़ा। तो ये हुआ कल के दिन, वापस आने में और जाने में तो थोड़ी सी थकान हो गई, इस वजह से कल वीडियो शूट नहीं हो पाया। तो अगर आप लोग इन फ्यूचर जाते हैं तो चीज़ें इंक्वायरी करके जाएं, जो कि मुझे सीखने को मिला, तो कोई बात नहीं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, मिलते हैं आपसे एक और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।